यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर चुनाव करवाने के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। बहराइच एवं श्रावस्ती दोनों जिलों को मिलाकर कुल 20 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों जनपदों के 3800 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर एमएलसी उम्मीदवार के भाग का फैसला करेंगे। जहां तक मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की बात करें तो सभी मतदान केंद्रों पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें श्रावस्ती और बहराइच को सम्मिलित करते हुए 20 बूथों का गठन हुआ है। उन सारी 20 बूथों की पार्टियां आज रवाना हो रही हैं और कल मतदान है। मतदान के बाद जो है यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है केडीसी पीजी कॉलेज में और यहीं पर मतगणना होनी है। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं, मानक के अनुसार फोर्स लगा हुआ है, मानक के अनुसार पार्टियों का गठन किया हुआ है और बूथों पर CCTV रहेंगे। आंतरिक व्यवस्था के लिए CAPF की फोर्स रहेगी और पूरे बाहरी व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तैनात पुलिस फोर्स रहेगा और इस प्रकार मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराने के लिए जनपद बहराइच में समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण हैं और मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी मतदाता को नहीं।